अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में निर्भया केस में चारों आरोपियों को दी गई फांसी के बाद पूरे देश में लोगों ने राहत की सांस ली है। हमीरपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायिका अनीता वर्मा ने खुशी जाहिर की है। अनीता वर्मा ने कहा कि निर्भया केस में फांसी को लटकाने के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे थे, लेकिन आज देर से ही हुए निर्णय से इस तरह के कुकृत्य करने वालों को सबक सीखना चाहिए। दिल्ली में निर्भया केस में चारों आरोपियों को दी गई फांसी के बाद पूरे देश में लोगों ने राहत की सांस ली है। हमीरपुर में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने खुशी जाहिर की है। अनीता वर्मा ने कहा कि निर्भया केस में फांसी को लटकाने के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे थे, लेकिन आज देर से ही हुए निर्णय से इस तरह की कुकृत्य करने वालों को सबक सीखना चाहिए। अनीता वर्मा ने कहा कि निर्भया केस से सालों तक केस चला हुआ था और आज बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। उन्होंने कहा कि निर्भया के अपराधियों को फांसी पर लटकाए जाने के बाद इस तरह के काम करने के लिए सोच रहे लोगों को भी डर पैदा होगा। उन्होंने कहा कि ये फैसला बहुत ही बढ़िया हुआ है। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे को छोड़कर कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए सहयोग देना चाहिए। कोरोना वायरस के बारे में बोलना चाहूंगी कि आप खास करके एक पौष्टिक खाना अपने परिवार को दें, क्योंकि इम्यूनिटी जो कि एक बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी के साथ लड़ने में, शरीर में उसका बढ़ना और उसका दृढ़ होना पौष्टिक आहार से ही होगा। तो उसमें महिलाओं का बहुत हाथ होगा इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने का। और मैं आग्रह करूंगी युवाओं से, खास करके जो नशा लेते हैं, जो गलत संगत में पड़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि 40% पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण युवाओं को ज़्यादा ये वायरस लगा है। और इससे बचने के लिए आपको ये जो नशीली पदार्थ हैं इनका सेवन बंद करना पड़ेगा। पौष्टिक आहार लें ताकि आप इस लड़ाई से लड़ सकें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी दवाई तैयार नहीं हुई है। हमें स्वयं इसका सामना करना पड़ेगा। सारे घर के जो लोग हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, वो बच्चों को, बेशक वो बड़े बच्चे हों छोटे बच्चे हों, उनको बाहर ना भेजें। स्वयं और अपने भी घर वालों को इस बीमारी से दूर रखें, साफ सफाई रखें। धन्यवाद।